हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन में। आज का जो वीडियो है उसमें हम एग्जाम पैटर्न 2021 से लेकर 2022 की बात करने वाले हैं, पर्टिकुलर साइंस सब्जेक्ट के लिए जो कि मिड टर्म एग्जाम होता है सेवन्थ और सिक्स क्लासेस के लिए, जूनियर क्लासेस के लिए। तो आइए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हम देखकर उसका बेनिफिट लें और जो भी हमारा एग्जाम पैटर्न है उसको अच्छे से समझें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, ये हमारा जो है एग्जाम पैटर्न है जिसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन पेपर सेट होगा और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पर्टिकुलर साइंस सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें जो फर्स्ट हम देख रहे हैं टाइप कैसा होगा, वो होगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का, जिनको कि हम सीसीटी क्वेश्चंस कहते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें कि केस बेस्ड स्टडीज होती हैं, या फिर आपके टॉपिक से रिलेटेड कोई केस स्टडी की जाती है, या सोर्स होता है, कोई सिचुएशन होता है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन किए जाते हैं, कोई फिगर दे दिया जाता है आप लोगों को और फिगर से संबंधित कोई भी तीन या चार या पांच क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या फिर आपको डेटा दे दिए जाते हैं, ग्राफ बनाकर दिया जाता है, आपको डेटा इंटरप्रेट करना होता है, डेटा से रिजल्ट निकालना होता है, पाई चार्ट आपको दिया जा सकता है, या फिर कोई भी स्टोरी बेस्ड आपको क्वेश्चन देकर एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर या वेरी शॉर्ट आंसर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से जो फर्स्ट 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में वो सीबीटी बेस्ड होंगे, सीबीटी मीन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें अगर हम देखें तो क्वेश्चन का जो नंबर है वो है 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और हर क्वेश्चन के अंदर 5 सब डिविजन्स होंगे, यानी हर एक क्वेश्चन के 5 सब क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का। तो मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि एक क्वेश्चन के 5 सब क्वेश्चन और नंबर है उसका 1, तो कुल मिलाकर आपका जो ये सेक्शन है 8 क्वेश्चंस का वो कैरी करेगा 40 मार्क्स को। तो जो पहला क्वेश्चन है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे, 8 पैराग्राफ आएंगे उसमें, उसमें 8 फिगर हो सकते हैं, 8 पैराग्राफ हो सकते हैं, 8 स्टोरी टेलिंग जो हो सकती है मेथड्स हो सकते हैं, या 8 जो है ग्राफ हो सकते हैं, उनसे रिलेटेड 5-5 क्वेश्चन किए जाएंगे हर क्वेश्चन में। हर क्वेश्चन का 1 नंबर होगा और टोटल जो क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन उनके मार्क्स होंगे 40। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो टाइप है वो है रीजनिंग क्वेश्चंस का, रीजनिंग क्वेश्चन, मेंटल एबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस, जो भी आपका लॉजिकल रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस है, इससे संबंधित आपके पेपर में 8 क्वेश्चंस डाले जाएंगे और वो 8 क्वेश्चंस जो है वो 1 मार्क के होंगे और कुल मिलाकर आपके मार्क्स भी यहाँ पर कितने हैं, 8 मार्क्स, यानी 40 मार्क्स हम पहले सेक्शन में देख चुके हैं, 8 मार्क्स अब यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चंस के या मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस के आएंगे। अब यहाँ पर आपको कैसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि कोई क्रॉसवर्ड दे दिया आपको, कोई पजल दे दी आपको उसको फिल करवा लिया गया, फिल इन द ब्लैंक्स दे दी आपको, या फिर ट्रू फॉल्स दे दी आपको। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस जो है मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग, जो लॉजिकल रीजनिंग है, इससे रिलेटेड आपको 8 क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपको दिख रहा है वो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आपके जो क्वेश्चंस के नंबर है वो है 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट आंसर के होंगे और ये कैरी करेंगे 2 मार्क्स। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपके नॉर्मल एक्सरसाइज क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि बुक्स रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, या फिर आपका मतलब स्टेटमेंट करेक्शन का हो सकता है, कॉलम मैच करने का हो सकता है कि एक कॉलम को दूसरे कॉलम से मैच कीजिए। तो ये जो आपके 12 क्वेश्चंस हैं, 12 क्वेश्चंस हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वो कैरी करेंगे, एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा। कुल मिलाकर यहाँ पर आपके जो टोटल मार्क्स होंगे वो 24 मार्क्स। नेक्स्ट लास्ट अगर हम बात करें तो जो लास्ट है हमारी कैटेगरी वो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस का जो नंबर है वो है 2, यानी 2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क का और टोटल जो क्वेश्चन आपके बनेंगे वो बनेंगे 8 मार्क्स के। तो इस तरीके से अगर हम देखें कि हमारा जो पेपर है वो टोटल कितने नंबर कैरी करेगा, तो टोटल नंबर उसके कैरी होंगे 80, यानी क्वेश्चन पेपर होगा 80 मार्क्स का, जिसमें कि हम एक बार वापस देखते हैं। फर्स्ट टाइप है क्वेश्चन का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जिसके मार्क्स हैं 40। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है रीजनिंग क्वेश्चंस, मेंटल एबिलिटी क्वेश्चंस, जिसके मार्क्स हैं 8।
थर्ड क्वेश्चन जो है वो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जिसके मार्क्स हैं 24, और आफ्टर दैट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जिसके मार्क्स हैं 8। तो इस तरीके से आपका 80 मार्क्स का फुल पेपर बनने वाला है जिसको आपको अपने मिड टर्म एग्जाम में सॉल्व करना है विद इन 3 आवर। आपको 2 o'clock से 5 o'clock यानी 2 बजे से लेके 5 बजे के बीच में इस क्वेश्चन पेपर को वन बाय वन बाय वन आपको सॉल्व करना है। अपने नोटबुक में पीडीएफ बनानी है और पीडीएफ बनाकर अपने कंसर्न्ड सब्जेक्ट टीचर को अपने पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे उसको सेंड करना है। तो आई होप आपको एग्जाम पैटर्न इजीली क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने के लिए पेपर में। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको अपना साइंस सब्जेक्ट या और भी कोई जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है या फिर आपका जो इंपॉर्टेंट मेन सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।